तो ये सब तेजस्विनी अपनी माँ को दिया हुआ वचन निभाने के लिए कर रही थी? हाँ, और हम सबसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तेजस्विनी को अपने से दूर न देख पाने के चक्कर में हम कोशिश करते गए कि हम उसे किसी बहाने अपने घर ला सके, मिल सके, और उसी कारण वो अपनी माँ का विश्वास खो बैठी। कितनी बड़ी मुश्किल में होगी वो बच्ची, कितने बड़े धर्म संकट में थी वो। पापा, मैं अभी जाके खुद तेजस्विनी से बात करता हूँ। नहीं प्रेम, बेटा मैं जानता हूं कि तेरे इरादे नेक हैं, लेकिन कभी कभी वक्त गलत होता है तो सही काम करने के इरादे भी गलत लगते हैं, व्यर्थ लगते हैं। तो इस वक्त तेजस्विनी के पास जाएगा, शायद उसके लिए मुश्किलें और भी बढ़ सकती है। मोटा भाई, ये जोशी परिवार की तरफ से आपके लिए, आपकी शादी की सालगिरह की खुशी। कमल जी, आज ही भेज दिया। हाँ मोटा भाई, ये जोशी भाई के बेटे चिराग की शादी का निमंत्रण है। तो ठीक छे, कल हमारे घर में एक शानदार पार्टी होगी जिसका पूरा इंतजाम मैं खुद करूंगा। प्रेम, इस बार रहने देते, तेरे पापा का भी मन नहीं है। अरे माँ, पार्टी के लिए मन की नहीं मौके की जरूरत होती है, और फिर आपके और पापा की सालगिरह से अच्छा कोई मौका हो सकता है भला? आपको जितने बहाने लगाने आप लोग लगाते हो, लेकिन कल इस घर में पार्टी होगी 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 और होके रहेगी। प्रेम सही कह रहा है, और वैसे भी मोटा भाई, कल आपको बधाई देने लोग तो आएंगे ही ना। उनको तो हम नहीं रोक सकते ना। मोटा भाई, हम जानते हैं कि आपका मन नहीं है, हमारे लिए ना सही पर शहर वालों के लिए ही सही। ये दिखावा तो करना पड़ेगा ना मोटा भाई। ठीक है। और मोटा भाई, ये जोशी भाई के बेटे चिराग की शादी का निमंत्रण है, आपको जाना है मोटा भाई। अज्जू, तू इतनी रात को अकेला यहाँ क्या कर रहा है भाई? इंसान के मन का कभी ना मिटने वाला सबसे गहरा इमोशन होता है डर। रूह आसपास मौजूद प्रेत आत्माओं को पहचान लेती है। ऐसा जरूरी नहीं कि जो हमें दिखता है वही होता है। इस अंधेरे के साये में छुपी है डर की सच्ची तस्वीरें। क्या देख रहा है? तुझे नहीं पता, जल्द ही जी टीवी पे आने वाला है एक सुपरहिट शो फेयर फाइल्स। 22 जुलाई से हर शनिवार और रविवार रात 10:30 बजे सिर्फ जी टीवी पर। जब वचन निभा नहीं सकती थी तो दिया क्यों? ये मेडल अब मेरी आंखों में और पर्दा नहीं डाल सकता, वो भी तब जब ये तुझे धर्म सिंह राठौर ने दिया है। तेजू चले, वरना कॉलेज के लिए लेट हो जाएंगे। ये रिटर्न परमिशन लेकर आया हूं, तो प्लीज आज कॉलेज बंद है, तुम लोग भूल गए हो तो सोचा याद दिला दूं। क्यों, अब क्या प्लान है तुम्हारा? हर चीज के लिए प्लानिंग जरूरी नहीं होती है, मेरा मतलब है कुछ चीजें बिना प्लानिंग के भी तो होती हैं। तुम्हारा बर्थडे है प्रेम? नहीं, मेरा बर्थडे नहीं है, दरअसल आज पापा और माँ की एनिवर्सरी है, तो पूरे कॉलेज को पार्टी में बुलाया है, यहाँ तक कि कॉलेज और हॉस्टल के स्टाफ को भी बुलाया है। हर साल की तरह? हाँ, तो तुम लोग भी जरूर आना। हाँ हाँ, हम सब जरूर आएंगे। ठीक छे।
तुझे कुछ कह रहा है तेजू? उर्मी, मैं आज राज की पार्टी में नहीं आऊंगी, और अगर राठौड़ परिवार में कोई भी पूछे कि मैं कहाँ हूँ तो बोल देना कि मैं रास्ते में हूँ। पर तेजू तो चलेगी ना? तो अरे धर्म सिंह जी, अरे बस बस। धर्म जी, भाभी जी, शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। ऋषि साहब, आपको भी आपके बेटे की शादी मुबारक हो। आज के दिन हमारे चिराग की शादी के लिए जो वक्त निकाल कर आए उसके लिए धन्यवाद। पर आपका बेटा चिराग है कहाँ? चिराग, एक मिनट, चिराग, जोशी जी अब हम निकलते हैं। बदतमीजी है। किसी ने भी होशियारी दिखाने की कोशिश की या पुलिस को बताने की कोशिश की तो तेरे बेटे की बारात नहीं और क्यों उठेगी समझा? चलो पापा। अरे मुझे कोई बचाओ, बचाओ। चिराग बेटा, अरे कोई धर्म सिंह जी को फोन लगाओ, अब वही मदद कर सकते हैं। मुझे मेरी शादी के मंडप से यहाँ क्यों लेके आए हो? प्लीज छोड़ दो मेरे को, कोई है बचाओ। जाने दो भाई, प्लीज जाने दो। पर आप लोग मुझे यहाँ लाए क्यों हो? क्योंकि आज पूरी रात हॉस्टल में कोई नहीं रहेगा। पर आप लोग चाहते क्या हो मुझसे? मैं यहाँ क्या कर रही हूँ बताती हूँ, अभी बताती हूँ कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। छोड़ो छोड़ो छोड़ो। ये कहाँ से आ गई है? तेजस्वी देख, पहले चुपचाप मेरी बात। छोड़ो मुझे। इसे कभी करते हो पे, मैं अभी पुलिस को बताती हूँ। पुलिस? पुलिस? तू ऐसा कुछ नहीं करेगी। देख तेजस्वी, जो कुछ भी हुआ सब सही है, कुछ गलत नहीं। तू बस यहाँ से चली जा। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तू किसी भी मुसीबत में फंसे। जैसे बहुत पर्व है तुम्हें मेरी। तुम गलत हो प्रेम, और चलो मान लेते हैं कि गलती इसकी है। तुझे सजा देने का काम पुलिस का है, तुम्हारा नहीं। तुम कानून नहीं हो। पर मेरे पापा का तो है, और राजपीपला के कानून का नाम धर्म सिंह राठौर, और यहाँ पे कुछ भी गलत नहीं हो। प्रेम भाई, अर्जुन तू इसे लेकर अंदर जा, यहाँ से किसी ने देख लिया ना तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। मैं तेजस्वी को देख के आता हूँ। ये कौन का रख दिया? राजपिपला पुलिस स्टेशन। हेलो। हाँ जी सर। हेलो। पकड़ रहे इसको। अर्जुन तू यहाँ क्या कर रहे? जो मैंने कहा था ना इस फोटो को छुपा। हाँ तो वही तो कर रहा हूँ प्रेम भाई, इसे छुपाने के लिए यहाँ से अच्छी जगह और कहीं नहीं मिलेगी। कोई हम पे शक भी नहीं करेगा कि ये चिरकुट तेजस्विनी जी के कमरे में। क्या
हाँ, इसलिए तो हम इसे हॉस्टल में लाए क्योंकि यहाँ पर कोई है ही नहीं, सब हमारे घर पर है पार्टी में। तो हमने सोचा कि क्यों ना इसे हॉस्टल में तेजस्विनी द महान के कमरे में बंद कर दें। आप भी अच्छे से जानते हो कि हमने इस लड़के को किडनैप क्यों किया। अच्छा तो बताओ क्यों किया किडनैप? क्योंकि तुम लोग जो चाहे वो कर सकते हो। अरे तुझे किताब में लिखी बात समझ में आती है पर जो मैं बोल रहा हूँ वो तुझे समझ नहीं आती। अरे कब से बोल रहा हूँ तुझे चुप हो जा, चुप ही नहीं हो रही है तू। चुप होकर गलत होते देखना मुझे नहीं आता। शुभारंभ हो शुभारंभ मंगल बेला आई, सपनों की डहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई शहनाई। बहुत बहुत बधाई शहनाई। आप दोनों को शादी की सालगिरह मुबारक हो। आपने जो हमारे लिए किया है इसके सामने कुछ भी नहीं है, आपका हाथ हमारे सर पर बना रहे। आई, आई। मैं क्या कह रही हूँ कि बच्चे नहीं दिखाई दे रहे, कहाँ चले गए सबके सब? धर्म सिंह जी, मेरे बेटे को किसी ने किडनैप कर लिया। भरे मंडप में आकर कुछ गुंडों ने मेरे बेटे को उठा लिया है। मदद कीजिए, आप ही है जो कुछ कर सकते हैं। लेकिन ये हुआ कब? बस आपके जाने के बाद। आनंद तपास कर किसने किया है। हाँ। मिल जाएगा आपका बेटा, शांत हो। चाहे जो हो मैं तुम्हें गलत नहीं कर देती। छोड़ दो मुझे, बताती हूँ पुलिस को। प्रेम छोड़, प्रेम प्रेम। रुको, इधर ला। जाने दो प्रेम, मानो मेरी बात को, ऐसे भी तुम बहुत बार गलती कर चुके हो, एक और गलती मत करो। और अपनी गलती मनमानी के लिए तुम जबरदस्ती नहीं कर सकते, तुम्हारी गलती सही नहीं हो जाएगी और तुम्हारी इस गलती की सजा मैं तुमको दिलवा के रहूंगी। कब तक बांध के रहोगी मुझे? हाँ कभी ना कभी आजाद करोगे ना, सीधे जाके तुम्हारी करतूत पुलिस को बताऊंगी। जब तुझे कुछ पता नहीं है तो फिर क्यों बोले जा रही है? जानना चाहती है क्यों किडनैप किया इसे मैंने? हाँ, इस लड़की की वजह से। किसी तरह से मेरे बच्चे को बचा लीजिए। जोशी साहब, कहीं तुम तुम्हारे बेटे की शादी जबरदस्ती तो नहीं करवा रहे थे ना? नहीं राठौड़ साहब, चिराग की शादी उसकी रजामंदी से हो रही है। अब समझ में है असली बात क्या है? यार इससे और शादी किसी और से। तुमने मेरा साथ इतनी आसानी से छोड़ दिया सिर्फ इसलिए कि मैं गरीब हूँ और एक ऐसी लड़की से शादी करने जा रहे थे जिसे तुम जानते तक नहीं। तुम एक साथ दो दो लड़कियों की जिंदगी खराब कर रहे थे चिराग। अब बता क्या अब भी मैं गलत हूं? हाँ। माना चिराग से बहुत बड़ी गलती हुई है पर तुम कौन होते उसकी गलती सुधारने वाले? ये काम कानून का है, तुम्हारा नहीं। और एक बार सोचो प्रेम, तुम्हारी इस हरकत के बारे में जब काका को पता चलेगा तो कैसा लगेगा उन्हें? अरे इन दोनों का आपसी मामला सुलझाने के लिए पुलिस क्या कर लेती? हाँ देखो प्रेम, एक लड़के ने एक लड़की को धोखा दिया, ये बात दिल के कानून में तो गलत। अरे पर किताबी कानून का क्या, उसे कौन समझाएगा?
अरे अगर मैं पुलिस का इंतजार करता उसकी राह तकता रहता ना, तो ये लड़का उस अमीर जानी से कब के साथ फिर ले चुका होगा। और ये लड़की अकेली खड़ी रहती है अपने पेट में इसका बच्चा लिए। प्रेग्नेंट? जोशी एक बात समझ में नहीं आ रही है, ना तुम्हारी किसी से दुश्मनी है, ना ये शादी तुम्हारे बेटे की मर्जी के खिलाफ हो रही है, फिर कोई तुम्हारे बेटे को अगवा क्यों करेगा? वही तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। फिरौती मांगी है? नहीं। माजरा क्या है? और ये किया किसने? चिराग जैसे लड़कों के साथ क्या करना चाहिए ये मैं अच्छे से जानती हूँ। प्रेम, मेरे हाथ खोलो। प्रेम भाई, नहीं। प्लीज प्रेम, मुझ पे एक बार भरोसा करो। हाथ खोलो। दीदी, मैं इससे शादी करूंगा। दीदी प्लीज मत मारो। तुम जैसे लड़कों की वजह से लड़कियां अपनी जिंदगी आजादी से और इज्जत से नहीं जी सकती। पूर्वी ने तुम्हें दिल से प्यार किया और तुम्हें तुम्हें एक बार भी उसका ख्याल नहीं आया। अपनी जिम्मेदारी उस पर थोप रहे थे। तुम्हें तो मुझे पता है आप सब लोग मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, पर इसे मत मारो दी प्लीज। देखा, इसे कहते हैं सच्चा प्यार, जिसके तुम बिल्कुल भी लायक नहीं हो। और पूर्वी, तुम ये बिल्कुल भी मत सोचना कि तुम्हें अपनी जिंदगी एक ऐसे इंसान के साथ शादी करके बितानी है, क्योंकि तुम उसके बच्चे की माँ बनने वाली हो। और तुम्हें किसी के दबाव में आके भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुम एक ऐसा लाइफ पार्टनर डिजर्व करती हो जो तुम्हें दिल से प्यार करे। पर फिर भी अगर तुम इससे शादी करना चाहती हो तो सोच समझ के अपना कदम उठाना। मैं जानती हूँ चिराग ने बहुत बड़ी गलती की, पर उसकी गलती मेरे दिल से इसके लिए प्यार कम नहीं करी। जब हम किसी से प्यार करने लगते हैं तो अपने प्यार के लिए उठाया हुआ गलत कदम भी सही लगने लगता है। अर्जुन, अर्जुन ने चिराग को तुमने अगवा किया? प्रेम, मोटा भाई को पता चल गया है कि चिराग को शादी के मंडप से तुम लोगों ने उठाया। प्रेम, मैं जानता हूं कि चिराग तुम्हारे पास है। चिराग को अगवा करना जरूरी था। मैंने ही आनंद से कहा था कि वो दूसरे कबीले वालों के पास ये काम करवाए। तुम लोगों ने उसे क्यों अगवा किया? मतलब काका भी ये किडनैपिंग चाहते थे? आपके आदमी शायद चिराग की शादी होने से पहले मंडप तक पहुंच ही नहीं पाते। ठीक है ठीक है, मामला खत्म हो गया, जल्दी से घर आ जाओ। जी। प्रेम भैया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। मैं भी प्यार करता हूँ पूर्वी से और शादी करना चाहता हूँ, आज ही और उसी मंडप में। अब जा और पूर्वी को अपने परिवार से मिलवा और पूरे गर्व से बताना कि तूने पूर्वी के साथ पूरी जिंदगी बिताने का फैसला किया है। थैंक यू प्रेम। अगर आज आप नहीं होते तो मैं और चिराग एक साथ नहीं होते। प्रेम का तरीका भले ही गलत है पर इरादा सही है। अजू, तो तुम लोग जोशी काका के जाने के लिए तैयार हो ना? इसे लेकर जाओ, मैं वहीं पहुंचता हूँ। थैंक यू प्रेम भाई। हाँ अभी चल। आज जो तुमने किया उसके लिए थैंक यू। तुम नहीं जानते एक लड़की की इस हालत में मदद करके तुमने उसे एक नई जिंदगी दी है।
पर मैं अभी कहूंगी प्रेम, जो तुमने किया तरीका गलत था। तुम्हें कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए था, ये गलत है। हेलो हेलो, मैं राज पिपला पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ। जी, इस नंबर से फोन आया था, क्या मैं जान सकता हूँ कि कौन बोल रहा है? वो गलती से फोन, सॉरी। हेलो, सच बोलेगी तू? तू मेरे पापा को फंसाएगी? हाँ छोड़ो, छोड़ो। जितनी आसानी से अच्छा बन सकता हूँ, उतनी आसानी से बुरा भी बन सकता हूँ। रंग रूप चाल ढाल भाव भाव गुस्सा प्यार सेम टू सेम, हर किसी की है अपनी अदा। चोट मुझे लगती है दर्द से होता है। ये कॉपी है मेरी। एक और एक मिलकर जोड़ी बनी 11। देखें कितने जुड़े हैं और कितने जुदा। इंडिया बेस्ट जुड़वा। स्पेशल पार्टनर फिनोलेक्स केबल्स, कल रात 8 बजे ZT